नीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। जम्मू में रियासी आतंकी हमले और कठुआ में सेना के साथ दहशतगर्दों की मुठभेड़ के बाद जम्मू कश्मीर में हालात संवेदनशील बन गए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया जबकि अन्य की तलाश जारी है। इसे लेकर जम्मू संभाग में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NSA अजीत डोभाल और अन्य अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर में स्थिति की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा संबंधित स्थिति की पूरी जानकारी दी गई। उन्हें आतंकवाद विरोधी प्रयासों से अवगत भी कराया गया। वहीं प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से आतंकवाद विरोधी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने के लिए कहा है। समाचार एजेंसी से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की और सुरक्षा बलों की तैनाती और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बात की और जम्मू कश्मीर में स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री को स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई। जम्मू कश्मीर के रियासी में शिवखोड़ी से आ रही एक बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में 9 लोगों की जान चली गई थी जबकि 41 श्रद्धालु घायल हो गए। इसके 3 दिन बाद 11 जून की शाम दहशतगर्दों ने कठुआ में दूसरे हमले को अंजाम दिया। आतंकियों ने हीरानगर सेक्टर में कूटा मोड़ के पास सैदा सुखल गांव पर हमला किया। उस दौरान सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया जबकि अन्य आतंकी को सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान में अगले दिन मार गिराया। नीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।